सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बाबा टायर सर्विस द बैरोड बॉय। दोस्तों आज की वीडियो आप देख के समझ ही चुके होंगे। दोस्तों आज हम ना मोटरसाइकिल का जो ट्यूबलेस पंचर है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये पंचर देख लीजिए, इसमें भी दोस्तों तीन तरह के साइज़ आते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और हम सबसे बड़ा नंबर जोड़ा 6 नंबर का पंचर है वो यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों, जोड़ा 4 नंबर पंचर होता है वो लगाने पर जल्दी लीक हो जाता है, तो इसलिए हम 6 नंबर का लगाते हैं पैच, क्योंकि वो पैच थोड़ा मोटा होता है और जो पंचर है जैसे बारीक है, तो जब बारीक होल में जब कोई मतलब बड़ा पंचर हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, पूरा फिट बैठेगा और जो लीकेज के चांसेस है बहुत ही कम हो जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले पंचर को ढूंढते हैं, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बारीक सा पंचर है, 2-3 बार चेक कराया वो मिल नहीं रहा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। मैं दिखाता हूँ आपको इसमें 6 नंबर का जो पैच है वो कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सबसे पहले तो पंचर लगना है। आप उसके लिए सरफ, पानी में सरफ या शैम्पू डाल के इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिए कितना बारीक पंचर है, 2-3 बार ढूंढा तब तो नहीं मिला, बट अब हमें मिल चुका है पंचर, ये देखिए। तो ये है पंचर लगाने का जो मतलब सामान, ये 6 नंबर का पैच है दोस्तों, यही लगाना है हमने। मैं कभी भी 4 और 5 नंबर का पैच नहीं लगाता, क्योंकि वो बारीक होता है। तो जब कस्टमर से अगर पैसे पूरे ले रहे हैं तो उसमें हम सामान भी अच्छा लगाएंगे। तो सबसे पहले करना है क्या है, इसमें जो बारीक सी कील फंसी हुई है उसको निकाल के इस तरीके से सुआ लगा के इसको होल को बड़ा कर देना है, ये देखिए। सो एक हाथ में मेरे कैमरा है, क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों, सुआ लगा देना है और पंचर को इस तरह से फिट करके। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, अगर हम इस तरह से पंचर लगा देते हैं तो लीकेज के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो कभी कभी इसमें जैसे आपको लगता है कि पंचर बड़ा है, तो सोल्यूशन ट्यूब लगा लीजिए उससे। उससे क्या होता है, इसकी जो गम की पावर होती है बढ़ जाती है और जल्दी लीकेज के चांसेस जुड़े हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस पर हम इस तरीके से सोल्यूशन की ट्यूब लगा लेंगे। वैसे तो ये जो रस्सी डोरी होती है इस पर सोल्यूशन ट्यूब लगा ही होता है, बट क्या होता है कई बार होल बड़ा होता है इसलिए हम इसको लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, पूरी पावर से इसको इस तरीके से अंदर करना है, और ज़्यादा भी जोर नहीं लगाना कि पूरा अंदर चला जाए, अगर ये पूरा अंदर चला जाएगा तो पंचर लीक हो जाएगा। तो इस तरह से इसको 2 से 3 बार हम घुमाएंगे और निकाल देंगे, बाकी जो इसका हिस्सा बचा हुआ है वो हम किसी ब्लेड या चाकू से कट कर देंगे। तो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और इस तरह की आपके लिए वीडियोज़ और लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।